सामी जेनरा लुंड शिकारपुर में पेंजे गुरु सामी नाले सा सलोकन जो चिट्ठियों लिखी वो मट में विझंदो जे वेगन जी वाणी सिंधी में सुनाया संदस मौत बैद जैसे संदस ही अमूल्य खजानो हथ लगो त हर को सलोकन ते मोहित थी पियो हिस्सा करे पान में विराए राज करने लगा ए मीरन की चौयारी मशहूर थी ए मीर बे अंग्रेजन के चापलूसी में अग्रह हुआ उन वक्त भरवारे पंजाब जो राजा हो रंजीत सिंह अंग्रेजन पारा खेस मीरन ते करड़ी नजर रखने की हिदायत कई वई दीवान गिदुमल मीरन वट एक काबिल अमलदार हो उन मीरन के यह सलाह दी त राजा रंजीत सिंह के खुश रखो मीरन पिण उन सलाह ते अमल कंदे पहरी हैदराबाद जे मुख्य बाजार में गुरुद्वारो ठहण जी इजाजत दिनी पोए त सिंध जे घिटी घिटी में गुरुद्वारा बरपा थी गया आहिस्ते आहिस्ते जिते भी सिंधी हिंदू हुंदा हुआ उते गुरुद्वारा ठही गया सिख गुरुनि जी सिख्या सूफी मत सां मेल पे रखियो ई पंजाब में गुरु नानक जे पंथ जा घणे में घणा पोए लॻनि सिंध में ई थिया सुबुह जे वक्त जड़े मंदरन में आरती जा घंड वजन मस्जिद मां अजान जो आवाज अचे ए गुरुद्वारन मां गुरबाणी जो मिठड़ो आवाज मन के एक इलाही सुकून पहुंचाए थो सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोल सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी
सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे सब में सच्चा एको सोई तिसका किया सब कुछ होई हुकुम पहचाने सोए को जाने बंदा कहिए सोई अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर के सब जग उपजा कौन भले को मंदे अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे इहो मन मोहिंदड़ नजारो बर हिनन लाहिन चाड़न जी एक कड़ी हो अंग्रेज उन वक्त ताई सजो हिंदुस्तान फतह करे चुका हुआ सजो हिंदुस्तान फतह करे चुका हुआ ऐ सदन लोभी नजरू सिंध जे सोन वाणी जमीन ते खुतल हो पहरी मीरन सा ओहदनामो कयाऊं पोए फौज जी आमद रफ्त जी मोकल घुरियाऊं ऐ पोए बिना कहे सबब मीरन के म्याणी जे जंग में हाराए सिंध जा वाली बणिया चार्ल्स नेपियर सिंध जे फतह के हन गैर इखलाकी कामयाबी ते अफसोस त थियो ऐ तार गए मुर गुनाह कयो आहे हा सियासत में सब रवा आहे जो ॾाढो सोगाबो
पर सिंध त विलायत में अयामन का मशहूर हुई के जमाने में सिंध जी मलमल के चवंदा ही हुआ सिडान यह वण जो व्यापार जी परंपरा हलंदी रही। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में सिंध जे सुहणे कपड़े ते नाज़ुक ए नफीस भर्त भरे कपड़ा भोजदा हुआ त यूरोप जी सुंदरी उन ते मोहित थी पुछंदी हुई व्हाट इज दिस कॉल्ड जवाब मिलंदो हो मैम साहब इट इज कॉल्ड सिंध वर्क ए सिंध जे वणज व्यापार जी अवाली परंपरा में सिंध वर्क लफ्ज भी शामिल थी वो ए केतरन सिंध वर्क इन पर देहन में सिंध जो काट ऊंचो कयो सन 1844 में अंग्रेज ए सिंधी माहिर ए अदीब जो गडल बैठक थन शुरू थी सिंधी बोली लाए मौजूदा लिपि अपनाई गई ख्यालन विचारन ए अदब जी देवट उरूज ते पहुतल सिंधी शायरी सा गड सिंधी नसर जो भी विकास कयो अंग्रेजन सिंधी सीखी केतरा किताब अंग्रेजी में छपाया उन्हीं वक्त एक अंग्रेज लॉर्ड फ्रे सिंध जे विकास लाए स्कूल ए कॉलेज शुरू कराया ए 1852 में एशिया जे पहली टपाल जी टिकली हन साहिब सिंध में शाय कई तालीम ए अदब जे विकास जा रू रवा भणया मिर्ज़ा कलीच बेग ऋषि दयाराम गिदुमल कौड़ोमल चंदनमल खिलनाणी समाज सुधारी में अदरा भणया साधु हीरानंद नवलराय ऋषि दयाराम ए घणो पोए छोकरिन जे तालीम लाए साधु टीएल वासवाणी मीरा स्कूल ए कॉलेज बरपा कयो ए संदस शिष्य दादा जशन वासवाणी हिते पिण रूहानी रहबर बणजी उहा जोत जगाए रखी आहे। उन वक्त हिंदुस्तान जी राजधानी कलकत्तो हुई केतरा नौजवान कलकत्ते वनी ब्रह्म समाज सुधार जो उत्साह पिराए आया ए सिंध में पिण ब्रह्म समाज जी स्थापना थी ही सब जने थी रहयो हो त मुल्क में एक नओ माहौल तैयार थी रहयो हो। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बरपा थी शुरुआत खई सिंध में हन कांग्रेस जे इजलास में एजी शिरकत करण लगा ए सिंध बिन प्रांतन सा आजादी जी हलचल में कुलो कुले सा मिलाए हलन लगी। सन 1911 नोबल इनाम याफ्त कवि रविंद्रनाथ पेंजे तराने जन गण मन में सिंध जो जिक्र करे अकीत मंदीय जो इजहार कयो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत भेरा सिंध पधारे एन सिंधी जाति जी दिल खोले सारा कई अचे मां भी पाण के सिंधी सदैन में फखर महसूस करया तो सुभाष चंद्र बोस ए महात्मा गांधी सिंधी की काबिलियत ए योगदान के दिसी खेन वर्ल्ड सिटीजन जो लकब दिनो। जने 1942 में बापू जी अंग्रेज भारत छोड़ो ए करो या मरो जो नारो दिनो तजन भंभोर में भाय लगी गई प्रभात फेरी ए लाठी चार्ज जो दौर शुरू थी गयो। अड़े वक्त अंग्रेजन खेड का कम वरतो सिंधी मुसलमानन ए सिंधी हिंदू बाशिंदा जेके पाण में खीर खंड वांगुर हर सुख दुख में भांगे भाई थी रहंदा हुआ उन्हन विच में निफाक ए फरके परस्ती जो बिच छड्यो वीछा ए नफरतों वधण लगा हिन कडर पणे जो शिकार थियो सिंध जो आला इंसान गरीबन जो मददगार ए हमदर्द सूफी संत भगत कंवर राम साहिब
कबूलियत किन कटर मुस्लिम अनासरन के न आयड़ी ए 1 नवंबर 1949 रुक स्टेशन ते गोलियों हणी खेस शहीद कियो वयो। आजादी जे हलचल जो एक बियो भी रूप हो किन जोशीलन नौजवानन जो विश्वास हो त हिंसा जो जवाब अहिंसा न पर हिंसा सही ॾेई सघो। गोली जो जवाब गोली ऐं ई मुल्क में केतिरियूं इनकलाबी जवाननि जूं टोलियूं पैदा थियूं वतन लाइ सिर कुर्बान करण लाइ चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह ऐं राजगुरू जहिड़ा केतिरा नौजवान फांसी खे अमरता जो परवानो सम्झी शहीद थिया। एक अड़ी इनकलाबी टोली हुई टोली जो अगवान हेमू कालाण। साथियों असा के इतने सिंध में आजादी की हलचल हलानी असि तैयार है। हेमू हेमू साथियों इम्तिहान की घड़ी अची चुकी है। अंग्रेज मिलिट्री ट्रेन असा इनकलाबियों के हलचल के कुचण लाए सिंध में अची रही है। गोले बारूद से भरल इन ट्रेन के विच रस्ते में ही किरायो है। असि जान की बाजी लगाने लाए तैयार है। बुद्ध खबर पक्की है ना त ट्रेन अंग्रेज मिलिट्री सिपाहियों की है। ये न थे गलतफहमी सबब असाजा बेगुनाह हिंदुस्तानी मारजी वन। न खबर बिल्कुल पक्की है। ट्रेन उन फाटक का गुजरंदी ठीक 6:35 त बस हिंसर शाम जा 4 था है ठीक 6 बजे तमा सब हनुमान मंदिर वाले फाटक ते मिलो। ठीक है ठीक है का हेलो हेलो मिलू ता फाटक तभी सब वक्त पे पहुंची गया है। ये ना चौ तरफ ध्यान रख जो हेमू पुलिस भाग हेमू भाग हेमू भाग भाग पुलिस 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 हेमू हेमू हैंड सर यू आर अंडर अरेस्ट और अंग्रेजों के खिलाफ साजिश मिलिट्री ट्रेन गिराने की नापाक कोशिश न इनकलाबी साथियों हैं उन्हें जे आंदोलन के बचाने की एक पाक और पवित्र कोशिश। हेमो तेजी कचड़ी उम्र ते मुखे रहम तो अचे दिस असी तो के आजाद कदासी तो के माला माल कदासी तू पेंजे साथियों जा नाला बदाय साथी हां जे के ना गुनाह में तो सा शामिल हुआ मुजा साथी हैं। हां के रहन तुजा साथी मुजा साथी हैं ये पकड़ ए ही पानो जिन मुखे बंध तोड़ण में साथ दिनो। बेवकूफ इंकलाबी तू असा सा मजाक कर रहे हो आई हाने भी बुधा तो ही जेहे ना करतू तमे खेर आए तुझे पुठा मुझे ना महान कार्य पुठा आहिन सुभाष चंद्र बोस जी दिलेरी वीर सावरकर जी बेडपाई तिलक जे पूर्ण स्वराज जी घुर ए भारत माता जे आजादी जो जज्बो। ये सदो न थींदो जी मरम्मत करे कोर्ट में पेश करे फांसी देहानी पौंदी। अरे मौत का मथे तमाम वटी का सजा आहे ही कान पर याद रखो मुझे खून जे हर कतरे मा एक नव हेमू पैदा थिंदो ए भारत माता के आजादी जो तिलक लगाइंदो। आखिर सभी कुर्बानी पेंजो रंग दिखाए 15 अगस्त 1947 ते हिंदुस्तान आजाद थियो। सिंधन के हिंदुस्तान की आजादी लाए सब का वड़ी कुर्बानी देनी पई एड़ी दर्दनाक ए जालिम कुर्बानी इतिहास कै भी जाति का कान घुरी है। ॼण हिकु सिलसिलो आयो सिंधियुनि जे पेरनि हेठां ज़मीन ई निकिरी वई हिकु ज़बरदस्त तूफ़ान में कखन पननि जीअं बेतरतीब बिना कंहिं अॻवानी ऐं रिथा जे हेठि अथाह मुल्क में को पन किथे किरियो हिकु अजीब मायूसी ऐं बेवसी सिंधियुनि खे वगोड़े वई। पर ही मायूसी जो आलम घणो वक़्त कोन हलियो सदियुनि खां वरसे में मिलियल गुणनि हिम्मत अवरचाई ऐं मेहनत सिंधियुनि खे ॾिसंदे शर्मार्थीअ मां पुरुषार्थी बणाए छॾियो। सिंधियुनि हिते पिणु सदावृत जा कार्य जारी रखिया केतिरा स्कूल कॉलेज अस्पतालूं खोले धार्मिक कार्यनि सां गॾु क़ौम जो शान ऊचो रखियो।
कुछ हुंदे भी जण एक खान सिंधन जे दिल में रहे सिंधी कौम एक शानदार सभ्यता ए मायदार बोली जी वारिस ए उन वरसे के बचाए लगाए उन वक्त केतरीन बेन मंडोन सा गद सिंधी बोली सभ्यता ए संस्कृति के विकास ए बहबूद के लिए अखल भारत सिंधी बोली साहित्य सभा वजूद में आई बुजुर्गन जे आसीस ए साथ सा सिंधी बोली ए कला के जो भी जाय मिली अदब पैदा थन लगो सिंध जे मकबूल शायर नारायण श्याम ऐलान कयो सिंध के को न छडाए को सिंधन खा सिंध के को न छडाए को सिंधन खा सिंध सिंधन में वसे सिंध हिते सिंध होते आज सिंधी भले टेढ़ी पकड़ी व्या है मगर पेंजी अवर चाहिए मेहनत लगन की खुशबू हर दिसर हर हंद हुनन फैलाई है Thank you.
वरी एक दफो पहले तक चले मेहरबानी तमाम वरी जल्दी याद करो एडो प्यार दिनो एतरी मोहब्बत दिनी आर्टिस्ट के तो कुछ न खपे यो खपे शाबाशी एंड एवरी टाइम आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस तो छो जो अल्लाह कुछ करण जी उनमें उम्मीद जागंदी आए कुछ सेखारण जी जेको कुछ पातो है थोड़ो ओ डही वंजण जी एक इच्छा होंदी आए तो जेके नंडी नंडा बार है नेक्स्ट जनरेशन है उहे हिन चीज के वठी एक धागो ही वठी अन्ना सुठी सुठी बेहतरीन बेहतरीन आइटम्स ठाए बेहतरीन पेशकश कर जेके वर्ल्ड स्टैंडर्ड ते मैच करे सकन मां तो वरी शुक्रगुजार आया सिंधी एकेडमी जी गेहानी साहब जी सिंधु भागिया जी ए सभी मेंबर्स जी जे एवरी टाइम मुझे नाले थे टिक ता कयो कि मां इत परफॉर्मेंस करे सके यस यहां सब के रिक्वेस्ट के कि अनिला जो धन्यवाद ए सम्मान एक शॉल सा मां जेके क्रेडिट्स जेके हन परफॉर्मेंस जे पुठा सब क्रेडिट्स ता देठो पर जिन आज इतनी मेहनत करे हते ही लाइव तां दे अगया मोहन के दरों का वी अज तक अगर पेश